की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध कर रहे डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक हुई। रात करीब 11:50 पर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बैठक के बारे में जानकारी दी। ममता ने ये दावा किया कि डॉक्टरों की 3 मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटा दिया जाएगा, कल शाम 4 बजे नए कमिश्नर पद संभालेंगे। इसके साथ ही हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटाने की बात नहीं कही। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से अपील की कि वो काम पर लौट आए। तो करीब 6 घंटे ये बैठक चली और इसके बाद जो सरकार है उन्होंने 3 मांगे मान ली है। और देखिए किस तरीके से जब डॉक्टर्स की मांगों को माना गया तो उसके बाद डॉक्टर्स ने किस तरीके से जश्न मनाया, कैसे खुशी उन्होंने जाहिर की। मांग मानने के बाद भी हड़ताल जारी है। ये डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि सभी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है और अभी भी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। हालांकि ममता बनर्जी ने जो डॉक्टर्स थे उनसे ये भी अपील की है कि देखिए जो भी मामला है, जो भी आपकी नाराजगी है, उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप काम पर लौट आइए क्योंकि इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर्स ने अभी भी ये कहा है कि उनकी पूरी मांगे नहीं मानी गई है और हड़ताल उनकी जारी रहेगी। 3 मांगे ऐसी हैं जिन्हें मान लिया गया है, जिसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाया जाएगा ये मांग भी थी, नए पुलिस कमिश्नर को आज चार्ज दिया जाएगा वो आज अपना चार्ज संभालेंगे, हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर हैं वो भी हटाए जाएंगे और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उन्हें भी हटाया जाएगा, उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। अब ममता बनर्जी के मांगे मान लेने के बाद भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जारी है, ये डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। तो करीब 6 घंटे बातचीत चली है सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच में। लेकिन डॉक्टर्स से बातचीत के बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे, जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया, उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद और डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का की पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचएस ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बुला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा ऐसा बात हुआ है, हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग लिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते, हम 99% मान लिया। ममता बनर्जी के मांगे मान लेने के बाद भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हालांकि डॉक्टर्स ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने के बाद जश्न मनाया, साथ ही ऐलान किया कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता है उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो देखिए 3 मांगे जो डॉक्टर्स की थी वो मान ली गई सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जो डॉक्टर्स की हड़ताल है वो जारी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि जितनी मांगे हमने सरकार के सामने रखी गई थी वो सारी की सारी पूरी नहीं हुई है। जब तक वो भी मांगे, जो बची हुई मांगे हैं वो भी पूरी नहीं कर ली जाती है, जब तक वो भी मान ली नहीं जाती है तब तक जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने सारे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया और ये क्लियरली उनको हमने समझाया कि हमें जस्टिस ही चाहिए। ये इस आंदोलन ये एक छोटी सी कामयाबी है जो हमने आज 38वें दिन अचीव किया है। मानना पड़ा
के कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं जस्टिस में रुकावट, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन, उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। हम यह आंदोलन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिमांड हमने दिया था उसमें डीएमई डीएचएस तो माना गया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी का डिमांड अभी तक ये कहा गया है कि ये डिस्कशन के बाद, सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हम यहां पर बता देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट्स की तरफ से कि जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे।